ऑफ लाइफ क्लास 10। जीवन कोशिका से बना है। जैसे घर छोटे छोटे ईंट से मिलकर बनता है तो घर की इकाई क्या हुई? ईंट। उसी तरह से जीवों का शरीर छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बनता है। तो कोशिका क्या है? जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कोशिका को जीवन की रचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना भी सजीव है सबका शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। जैसे एक कोशिकीय प्राणी अमीबा, इसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना है। बहुकोशिकीय प्राणी जैसे मनुष्य और पेड़ पौधे, इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अकोशिकीय प्राणी जैसे वायरस, इसके शरीर में कोई कोशिका जैसी रचना नहीं पाई जाती और इनका शरीर सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बनता है, जिसे न्यूक्लियोकैप्सिड भी कहते हैं। कोशिका को जीवन की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन की सभी क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। जैसे एक कोशिकीय प्राणी अमीबा है, इसका शरीर एक कोशिका से बना है, तो इसके जीवन की सभी क्रियाएं उसी एक कोशिका के अंदर होती है। मनुष्य बहुकोशिकीय प्राणी है, तो बहुकोशिकीय होने के कारण बहुत सारे कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक से ऊतक तंत्र बनते हैं, ऊतक तंत्र से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र, और अंत में एक नए जीव की सृष्टि होती है। अभी हम लोग देख ले रहे हैं एनिमल सेल डायग्राम, जो सेल डिवीजन को समझने में सहायता करेगा, इसलिए ये ज़रूरी है। ये जो जंतु कोशिका का चित्र हम देख रहे हैं, ये एक यूकैरियोटिक कोशिका का चित्र है। इसे यूकैरियोटिक कोशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है और इसमें दोहरे आवरण वाले कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। अब इस कोशिका में क्या क्या रचना पाई जाती है, इसे थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। चारों तरफ ये आवरण है, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली पतली, सजीव और अर्धपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली के अंदर पूरा ये ब्लू कलर का है जीवद्रव्य भरा रहता है। जीवद्रव्य दो भागों में बटा है। जीवद्रव्य का वह भाग जो कोशिका के अंदर है उसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, और जीव द्रव्य के वह भाग जो केंद्रक के अंदर चला गया उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसी जीव द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग दिखाई देते हैं। इसी कोशिकांग के द्वारा कोशिका में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। अब कुछ कोशिकांग के बारे में देखते हैं। केंद्रक के पास तारे जैसी रचना पाई जाती है, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होता है, जो कोशिका विभाजन के समय में स्पिंडल या तुर्क का निर्माण करता है। उसके बाद राइबोसोम, पूरी कोशिका में दानेदार कण के समान रचना दिखाई दे रही है, जिसे राइबोसोम कहते हैं, और यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसके बाद कोशिका में छड़ आकृति की रचना दिखाई देती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का केंद्र स्थल है और इसे विद्युत गृह भी कहा जाता है कोशिका का। इसे श्वसन का केंद्र स्थल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अर्थात भोजन पूरी तरह से टूट जाता है। भोजन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है, और ये ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में जमा होती है, और इसी ऊर्जा का उपयोग कोशिका विभाजन के समय में जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए भी किया जाता है, और हमारे जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए भी जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देता है। इसके बाद छड़ आकृति की रचना माइक्रोट्यूब्यूल है। पादप कोशिका में माइक्रोट्यूब्यूल गोल्गी बॉडी बनाता है और ये स्पिंडल का निर्माण करता है। पिंक कलर की थैली जैसी रचना, इसको लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम भरा रहता है, जो भोजन को पचाने का कार्य करता है, किंतु कभी कभी ये थैली फट जाती है और एंजाइम बाहर निकल जाता है और जितने भी कोशिकांग हैं सबको पचाना शुरू करता है।
इसके बाद ये ग्रीन कलर की थैली जैसी रचना, जिसको हम लोग रसधानी कहते हैं, नाम से यह स्पष्ट है, रसधानी में भोज्य पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ जमा होते हैं। केंद्रक के पास नली के जैसी रचना पाई जाती है, जिसे गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस कहते हैं, यह हार्मोनल स्राव के स्राव में सहायता करता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाई दे रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नली के जैसी रचना है, जो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच में संबंध बनाती है तथा कंकाल तंत्र का भी कार्य करती है। तो ये कोशिका के बारे में जानकारी हो गई। ये यूकैरियोटिक कोशिका है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया, उसमें गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा माइटोकॉन्ड्रिया भी अनुपस्थित रहते हैं। अब पहले ही बता चुके, सेल के मुख्य दो भाग होते हैं, केंद्रक और जीव द्रव्य। केंद्रक को हम लोग कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, क्योंकि इसी केंद्रक के द्वारा केंद्रक कोशिका में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी कोशिकांग के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। अब कोशिका के अंदर जैविक क्रिया कहाँ होती है? जीव द्रव्य में। इसलिए जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार। अब केंद्रक की रचना, ये भी केंद्रक है और ये भी केंद्रक। केंद्रक एक विकसित केंद्रक के चार भाग होते हैं। बाहर से अंदर की ओर देखें तो केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक के अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इस केंद्रक द्रव्य में ये धागे जैसी रचना, जिसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं, और एक छोटा केंद्रक रहता है जिसे केंद्रिका कहते हैं। अब क्रोमैटिन की रचना, क्रोमैटिन किससे बना है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मोतियों की माला जैसी बीड्स के रूप में स्थित रहते हैं। हर बीड्स को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्रोमैटिन क्रोमोसोम का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन धीरे धीरे छोटा मोटा और संघनित होने लगता है, तो इससे बनता है क्रोमैटिड। दो क्रोमैटिड जब सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं तो बनता है क्रोमोजोम, और एक क्रोमोजोम का दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे का सिस्टर क्रोमैटिड होता है। और क्रोमोजोम के ऊपर दानेदार कण के समान रचना पाई जाती है, जिसे हम जीन कहते हैं। यह डीएनए का बना होता है, और जीन को हम लोग अनुवांशिकता की इकाई भी कहते हैं, क्योंकि यह अनुवांशिक लक्षण को माता पिता से बच्चों में, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है। अब यहाँ पर हम लोग 23 जोड़ा क्रोमोजोम देख रहे हैं, जो मनुष्य में पाया जाता है, यानी मनुष्य में कुल 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। इसमें से ये 22 जोड़ा जो क्रोमोजोम है, इसे हम ऑटोजोम कहते हैं, और शेष एक जोड़ा जो क्रोमोजोम है, इसको हम लोग एलोजोम या सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। तो मनुष्य में क्रोमोजोम को लक्षण निर्धारित करने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ऑटोजोम, या इसको हम लोग शारीरिक क्रोमोजोम भी बोलते हैं या सोमैटिक क्रोमोजोम भी बोलते हैं। एलोजोम, यानी इसको सेक्स क्रोमोजोम भी बोलते हैं, लैंगिक क्रोमोजोम भी बोलते हैं। मनुष्य में कुल 46 क्रोमोजोम या 23 जोड़ा क्रोमोजोम पाया जाता है। इसको लिखते कैसे हैं? 2n बराबर 46। 2n मतलब क्रोमोजोम हमेशा जोड़े में पाया जाता है, द्विगुणित होता है, इसलिए 46। किंतु जब गैमेट बनता है, पुरुष में शुक्राणु और स्त्री में एग या ओवा या अंडा, उस समय में क्रोमोजोम की संख्या आधी हो जाती है। तो आधी मतलब 2n बराबर 46, n बराबर 23। अब ऑटोजोम क्या है? 22 जोड़ा जो क्रोमोजोम है, 44 क्रोमोजोम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोजोम। और इसे ऑटोजोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस क्रोमोजोम पे जो जीन पाया जाता है, वो क्या करता है? शारीरिक लक्षण को निर्धारित करता है। इसके बाद शेष बचा हुआ क्रोमोजोम, जिसको हम लोग लैंगिक क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम या एलोजोम बोलते हैं। ये इसमें दो तरह का क्रोमोजोम है, एक्स और वाई। एक्स क्रोमोजोम बड़ा होता है और वाई क्रोमोजोम
छोटा होता है। इसे सेक्स क्रोमोजोम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे जो जीन पाया जाता है वह लैंगिक लक्षण को निर्धारित करता है या आने वाला संतान लड़का है या लड़की। पुरुष में सेक्स क्रोमोजोम दो तरह के होते हैं, XY और स्त्री में XX। तो पुरुष के सेक्स क्रोमोजोम को हम लोग कैसे लिखेंगे? 44 जोड़ XY और स्त्री में 44 जोड़ XX। अब क्रोमोजोम की वाह्य संरचना, क्रोमोजोम पहले ही जानते हैं ये किससे बना है, दो क्रोमेटिड से, और दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? सेंट्रोमियर के द्वारा। सबसे स्पष्ट क्रोमोजोम हमको कब दिखाई देता है? मेटाफेज अवस्था में। और इस क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इस अवस्था में क्रोमोजोम सबसे अधिक कुंडलित होता है। इस मेटाफेज अवस्था में हम लोग क्रोमोजोम को गिन भी सकते हैं और इसकी बाह्य रचना का अध्ययन भी कर सकते हैं। ये है क्रोमोजोम की बाह्य संरचना का चित्र। इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है? क्रोमोजोम के चारों तरफ एक आवरण होता है जिसे पेलिकल कहते हैं। क्रोमोजोम के अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और क्रोमोजोम के अंदर दो परस्पर लिपटे हुए अक्षीय सूत्र होते हैं जिसे क्रोमैटिन या क्रोमैनिमाटा कहते हैं। ये क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय में छोटा मोटा और संघनित होकर के क्रोमैटिड बनाता है। दो क्रोमैटिड एक दूसरे से सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़कर क्रोमोजोम बनाते हैं और सेंट्रोमियर बीच में होने के कारण क्रोमोजोम में दो भुजा का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा क्रोमोजोम में दो संकुचित स्थान पाए जाते हैं। पहला संकुचित स्थान को प्राथमिक संकुचन स्थान कहते हैं और इस स्थान पे सेंट्रोमियर पाया जाता है। द्वितीय संकुचन स्थान, जब क्रोमोजोम में दूसरा संकुचित स्थान पाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय संकुचन स्थान। यह सभी क्रोमोजोम में नहीं पाया जाता है। किसी किसी क्रोमोजोम में द्वितीय संकुचन स्थान होने के कारण क्रोमोजोम का शीर्ष भाग टेलोमियर फूल जाता है जिसे सैटेलाइट कहते हैं। जिस क्रोमोजोम में सैटेलाइट होता है उसे सेट क्रोमोजोम कहते हैं। अब क्रोमोजोम रासायनिक रूप से किससे बना है? क्रोमोजोम का रासायनिक संगठन देख लेते हैं। क्रोमोजोम न्यूक्लिक एसिड यानी केंद्रक अम्ल से बनता है। केंद्रक अम्ल डीएनए आरएनए प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसके अलावा कुछ तत्व हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए। न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं? तो केंद्रक के अंदर जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जिसे हम लोग केंद्रक अम्ल कहते हैं। केंद्रक अम्ल दो तरह का होता है, डीएनए आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की रचना, डीएनए की रचना के संबंध में सबसे पहले वाटसन क्रिक ने मॉडल दिया था। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इस मॉडल के अनुसार डीएनए की रचना कैसी है? डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है। मतलब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, अगर एक बीच में अक्ष की कल्पना की जाए तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक अक्ष पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में लिपटे रहते हैं। यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं तो डीएनए की इकाई क्या हो गई? न्यूक्लियोटाइड। एक एक न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड बना है शर्करा से, फॉस्फेट से और नाइट्रोजन भस्म से। तो डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा फॉस्फेट और नाइट्रोजन भस्म मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अब नाइट्रोजन भस्म देख लेते हैं। नाइट्रोजन भस्म दो तरह का होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन नाइट्रोजन भस्म दो तरह का होता है, एडिनिन ए गुआनिन जी। पिरिमिडिन दो तरह का होता है, साइटोसिन सी और थायमिन टी। एक प्यूरिन हमेशा एक पिरिमिडिन के साथ जुड़ता है। जैसे ए टी के साथ जुड़ेगा, जी सी के साथ जुड़ेगा। ए और टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड दो होते हैं, जी और सी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तीन होते हैं। अभी बताएं डीएनए
यानी पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में लिपटा हुआ। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की इकाई न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बनाया है सुगर से, फॉस्फेट से और नाइट्रोजन भस्म से। अब डीएनए के दोहरी कुंडलित रचना में चेन के ऊपर पाया जाता है नाइट्रोजन भस्म, चेन के बाहर रहता है सुगर, और सुगर जुड़ा रहता है फॉस्फेट से। तो सुगर और फॉस्फेट, जैसा हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन भस्म है AGTC, ये जुड़ा हुआ है सुगर से, सुगर जुड़ा हुआ है फॉस्फेट से। तो एक एक न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड में सुगर और फॉस्फेट चेन के बाहर कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं, और ये नाइट्रोजन भस्म चेन के ऊपर रहता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का अगर नाइट्रोजन भस्म पता है, तो दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का नाइट्रोजन भस्म उसका पूरक होगा। जैसे ए है तो टी, जी है तो सी, टी है तो ए, सी है तो जी, और ए और टी के बीच में डबल नाइट्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल नाइट्रोजन बॉन्ड। अब दोनों चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन भस्म में जो पाया जाता है उसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड सीढ़ी नुमा रचना बनाता है। जैसा ये दोहरी कुंडलित रचना है, जहाँ पे एक कुंडली पूरी होती है, उसके बीच की दूरी 34 आंगस्ट्रॉन्ग होती है, और उसका व्यास 20 नैनोमीटर होता है, और एक कुंडली के बीच में 10 नाइट्रोजन भस्म पाए जाते हैं। तो एक लगातार जो नाइट्रोजन भस्म है उसके बीच की दूरी क्या होगी, 34 / 10 3.4 आंगस्ट्रॉन्ग। डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए से आरएनए भी बनता है, और डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना रहती है जो मैसेंजर आरएनए में आती है। अब आरएनए क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। ये डीएनए, इसका निर्माण सिर्फ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से होता है, इसकी भी इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड राइबोज सरकरा फॉस्फेट और नाइट्रोजन भस्म से बनते हैं। डीएनए की तरह इसमें भी नाइट्रोजन भस्म प्यूरिन और पिरिमिडिन पाया जाता है। इसमें प्यूरिन दो तरह का होता है, एडिनिन ग्वानिन जैसे डीएनए का, पिरिमिडिन साइटोसिन, और इसमें पिरिमिडिन थाइमिन डीएनए में था, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए का कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। अब हम लोग आ रहे हैं टॉपिक सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन। जो कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है उसे मातृ कोशिका कहते हैं। मातृ कोशिका का केंद्रक और कोशिका द्रव्य दो समान भाग में बट करके जब दो पुत्री कोशिका बनाता है, तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के कारण जीवों के शरीर का आकार बढ़ता है, कोशिका की संख्या बढ़ती है। अब ये दो पुत्री कोशिका से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से जीवों में कोशिका की संख्या बढ़ती है, सजीव का आकार बढ़ता है। कोशिका विभाजन तीन तरह का है, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। एमाइटोसिस डायरेक्ट सेल डिवीजन या से सूत्री विभाजन भी कहते हैं, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन या से समसूत्री विभाजन भी कहते हैं, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन या से अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। एमाइटोसिस विभाजन, इसे असूत्री विभाजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस विभाजन में क्रोमोजोम भाग नहीं लेता है और ना ही स्पिंडल का निर्माण होता है। इसमें केंद्रक सीधे दो भाग में बढ़ जाता है, इसलिए इसे डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन भी कहते हैं। इसमें केंद्रक और कोशिका का विभाजन दोनों साथ साथ होता है, और एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका बनती है। सबसे पहले केंद्रक लंबा होने लगता है, बीच में संकुचित होने लगता है, उसी समय कोशिका भी लंबा होकर के बीच में संकुचित होने लगती है। धीरे धीरे केंद्रक की लंबाई बढ़ती है, संकुचन गहरा हो जाता है, कोशिका भी लंबाई में बढ़ती है और कोशिका का भी संकुचन गहरा हो जाता है, और अंत में एक कोशिका से मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका बन जाती है। अमाइटोसिस सेल डिवीजन निम्न वर्ग के प्राणी में होता है, जैसे अमीबा, और कुछ निम्न वर्ग के पौधे जैसे यीस्ट, बैक्टीरिया, कारा। अब माइटोसिस या समसूत्री विभाजन,
इसे समसूत्री विभाजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक मातृ कोशिका से जब तक पुत्री कोशिका बनती है तो पुत्री कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है। माइटोसिस क्या है? तो इसमें केंद्रक का विभाजन एक ही बार होता है जिससे एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका बनती है और दोनों में क्रोमोजोम की संख्या मातृ कोशिका के बराबर है, इसलिए इसे समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। माइटोसिस विभाजन एमाइटोसिस विभाजन की अपेक्षा जटिल है। इसमें केंद्रक और कोशिका का विभाजन एक साथ नहीं होता। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और केंद्रक का विभाजन भी चार अवस्था में पूरा होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसके बाद एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाते हैं, एक ही कोशिका के अंदर है, तो उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। माइटोसिस का वीडियो है, थोड़ा देखिए। माइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें बॉडी पार्ट्स बनता है। माइटोसिस इज द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स into two identical daughter nuclei. It is divided into four key phases. Prophase, metaphase, anaphase, and telophase. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. In interphase, the genetic material of a cell increases. केंद्रक दिखाई देता है, केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन दिखाई देता है। इंटरफेज में विश्रामावस्था रहती है। ड्यूरिंग प्रोफेज में क्रोमेटिन से क्रोमेटिन कंडेंसेस एंड बिकम्स शॉर्ट एंड थिक टू फॉर्म क्रोमोसोम। दो क्रोमेटिड से बनता है, दोनों क्रोमेटिड हैज टू सिस्टर क्रोमेटिड्स जॉइन टुगेदर एट द सेंट्रोमिया। शुरू करता है, द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन और केंद्रिका गायब होने लगती है। The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into two sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the nuclei reform along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. Cytokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into two daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is triggered at the center of the cell by the formation of a cell plate. The cell plate grows outwards till it meets the existing wall, resulting in two daughter cells. In this module, you have learned mitosis is the process of separation of nucleus. किंतु कोशिका विभाजन जाने से पहले अभी हम वीडियो में देखें, पहली अवस्था होती है इस विश्रामावस्था या इंटरफेज। इस अवस्था में कोशिका विश्राम करती है, कोशिका का आकार बड़ा होता है,
कोशिका के अंदर कोशिकांग की मात्रा द्विगुणित होती है, केंद्रक का आकार बड़ा होता है, कोशिका परिपक्व होती है, विभाजन के लिए तैयार होती है, कोशिका में डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और कोशिका के अंदर हमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य और पतले धागे के समान रचना क्रोमेटिन दिखाई देती है और जंतु कोशिका में केंद्रक के ऊपर सेंट्रोसोम और उसमें सेंट्रियोल स्पष्ट दिखाई देता है और इस अवस्था में डीएनए की मात्रा भी द्विगुणित हो जाती है, मतलब कोशिका बड़ी हो गई, परिपक्व हो गई किंतु विभाजन नहीं हुआ। अब केंद्रक विभाजन शुरू होता है। केंद्रक विभाजन विश्राम अवस्था के बाद होता है। विश्रामावस्था के बाद केंद्रक विभाजन की सबसे पहली अवस्था है प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था में क्रोमैटिन से क्रोमोजोम का निर्माण होता है। क्रोमोजोम लंबवत रूप से दो भाग में बंटकर क्रोमैटिड बनाता है। दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े रहते हैं और क्रोमोजोम के ऊपर दानेदार कण के समान रचना पाई जाती है जिसे जीन कहते हैं। और सेंट्रोसोम का सेंट्रियोल दोनों विपरीत ध्रुव की ओर चलना शुरू करता है। प्रोफेज के अंत तक आते आते केंद्रक झिल्ली गायब होना शुरू होती है, केंद्रिका भी गायब होना शुरू होती है। केंद्रक विभाजन की दूसरी अवस्था है मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पूर्ण रूप से गायब हो जाती है। क्रोमोजोम केंद्रक द्रव्य में गति करते करते एक सीधी रेखा में आ जाते हैं जिससे मेटाफेजिक प्लेट या विषुवत रेखीय प्लेट का निर्माण होता है। सेंट्रियोल विपरीत ध्रुव में पहुंच जाता है। सेंट्रियोल से निकलने वाली तारा रश्मियों से तंतु निकलकर विपरीत ध्रुव में फैल जाती है और स्पिंडल या तुर्क का निर्माण करती है। स्पिंडल में तीन तरह के रेशे होते हैं, बीच में एक लगातार रेशा, क्रोमोजोमल रेशा जिससे क्रोमोजोम जुड़े रहते हैं सेंट्रोमियर के द्वारा, और टूटे टूटे रेशे जिसे इंटर क्रोमोजोमल रेशा कहते हैं। इस अवस्था में क्रोमोजोम अस्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि क्रोमोजोम बहुत अधिक कुंडलित होता है और इस अवस्था में हम क्रोमोजोम की संख्या गिन सकते हैं, क्रोमोजोम के बाह्य आकार का अध्ययन भी कर सकते हैं। केंद्रक विभाजन की तीसरी अवस्था है एनाफेज। एनाफेज अवस्था में क्रोमोजोमल रेशा विपरीत रूप से खींचने लगता है तो सेंट्रोमियर दो भाग में बढ़ जाता है। 4 क्रोमोजोम से 8 क्रोमोजोम बनते हैं। प्रत्येक क्रोमोजोम अपने अपने क्रोमेटिड को लेकर के विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है और एनाफेज के अंत तक आते आते सब 4-4 क्रोमोजोम विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। केंद्रक विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था टेलोफेज। इस अवस्था में क्रोमोजोम विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं और वहां पर खुलकर फिर से क्रोमैटिन का निर्माण करते हैं। जैसे ही क्रोमैटिन बनता है चारों तरफ केंद्रक झिल्ली बन जाती है। केंद्रक झिल्ली बनने के बाद अंदर केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और इस तरह से एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक जिसमें क्रोमोजोम की संख्या मातृ कोशिका के बराबर हो जाती है। अभी भी कोशिका का विभाजन नहीं हुआ, केंद्रक दो भागों में बटा। अब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस की क्रिया एनिमल सेल में क्लीवेज, फरो या कटाव बनने के कारण होती है। इसमें भाग लेते हैं यह कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बाहर से अंदर की तरफ संकुचित होती है। धीरे धीरे यह संकुचन मध्य में 20 तक गहराता जाता है और अंत में कोशिका दो भाग में बढ़ जाती है। पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस की क्रिया सेल प्लेट के द्वारा होती है। सेल प्लेट का निर्माण फ्रेग्मोप्लास्ट के द्वारा होता है। सबसे पहले फ्रेग्मोप्लास्ट मध्य में जमा होता है, फिर धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ता चला जाता है और इस फ्रेग्मोप्लास्ट का निर्माण गॉल्गी बॉडी या गॉल्गी वेसिकल करते हैं। सेल प्लेट बन जाने के बाद सेल प्लेट के दोनों तरफ सेल्युलोज जमा होने लगता है, कोशिका भित्ति बन जाती है और कोशिका दो भाग में बढ़ जाती है। अब आते हैं सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र। हर कोशिका को विभाजन के समय में दो अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, माइटोसिस और विश्रामावस्था, इंटरफेज। ये दोनों अवस्थाएं इंटरफेज और माइटोसिस कोशिका विभाजन के समय में चक्र के रूप में चलती है, इसलिए इसे हम सेल साइकिल कहते हैं। अर्थात कोशिका चक्र की कितनी अवस्थाएं हुई, इंटरफेज और माइटोसिस।
इंटरफेज अवस्था लंबा होता है, इसलिए इसे तीन भागों में बांटा गया है, G1, S और G2। G1 अवस्था में RNA और प्रोटीन का निर्माण होता है, S अवस्था में DNA द्विगुणित होता है, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, और G2 अवस्था में RNA तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जीवन अवस्था में वृद्धि भी होती है, कोशिकाओं की मात्रा भी द्विगुणित होती है। जो कोशिका विभाजन के लिए तैयार नहीं होती वो जीवन अवस्था में जाकर के भी रेस्टिंग अवस्था में चली जाती है, जिसे G0 अवस्था कहते हैं। इसके बाद मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन माइटोसिस से भी जटिल है। इसमें केंद्रक का विभाजन दो बार होता है, एक मातृ कोशिका से चार पुत्री कोशिका बनती है, चारों पुत्री कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या मातृ कोशिका के आधी हो जाती है। तो पहली बार जो केंद्रक का विभाजन होता है उसे मियोसिस वन कहते हैं। मातृ कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या अगर 2n है तो पहली बार मातृ मियोसिस वन होने के बाद, केंद्रक विभाजन होने के बाद दो पुत्री कोशिका बनी जिसमें क्रोमोजोम की संख्या मातृ कोशिका के आधी हो जाती है, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब दोनों पुत्री कोशिका में मियोसिस टू विभाजन होता है, जो माइटोसिस की तरह होता है। दोनों पुत्री कोशिका से दो दो पुत्री कोशिका फिर बनती हैं और अंत में चार पुत्री कोशिका, चारों में क्रोमोजोम की संख्या मातृ कोशिका के आधी। मियोसिस हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, कुछ आइडियाज यहाँ से लेने हैं। तो मियोसिस वन भी चार अवस्थाओं में पूरा होता है, केंद्रक का विभाजन, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन। और मियोसिस टू माइटोसिस की तरह होता है, ये भी चार अवस्थाओं में पूरा होता है, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज टू। मियोसिस वन का जो प्रथम प्रोफेज है बहुत लंबा चलता है, इसलिए इसे पाँच अवस्था में बांटा गया, लेप्टोटीन, जैगोटीन, पेकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन अवस्था में क्रोमोजोम की कॉपी बनती है, जाइगोटिन अवस्था में समजात क्रोमोजोम एक साथ जोड़ा बनाते हैं जिसे साइनेप्सिस कहते हैं। पैकेटिन स्टेज में समजात क्रोमोजोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जीन का आदान प्रदान होता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जिसके कारण विभिन्नता उत्पन्न होती है। डिप्लोटीन अवस्था में समजात क्रोमोजोम जीन का आदान प्रदान करने के बाद एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, किंतु जहाँ पर जीन का आदान प्रदान होता है वहाँ पर एक्स जैसी रचना बनती है, जिसे क्याज्मा कहते हैं। डायकाइनेसिस, समजात क्रोमोजोम अपने अपने जीन को लेकर के अलग हो जाते हैं, जिस क्रिया को टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। इस तरह से प्रोफेज कंप्लीट होता है, उसके बाद प्रोफेज वन, उसके बाद मेटाफेज वन विपरीत रूप पर चलना शुरू करते हैं, एक विषुवत रेखीय प्लेट पर सारे क्रोमोजोम सज जाते हैं। एनाफेज वन में विपरीत रूप पर चलना शुरू करते हैं। टेलोफेज वन में केंद्रक से दो केंद्रक बन जाता है और दोनों केंद्रक में क्रोमोजोम की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है। उसी तरह से मियोसिस टू के समय अब दोनों पुत्री कोशिका में मियोसिस टू यानी माइटोसिस की तरह विभाजन होगा, प्रोफेज टू, उसके बाद मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज टू, और अंत में चार पुत्री कोशिका, चारों पुत्री कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या मातृ कोशिका के आधी हो जाती है। माइटोसिस और मियोसिस विभाजन का क्या महत्व है? माइटोसिस का महत्व है, इससे शरीर की वृद्धि होती है, घाव भरते हैं, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत होती है, एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। मियोसिस विभाजन का क्या महत्व है? तो यह विभाजन जनन कोशिका में होती है और इस विभाजन के द्वारा लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में गैमेट का निर्माण होता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर भी होती है जिसके कारण विभिन्नता उत्पन्न होती है और क्रम विकास होता है और क्रोमोजोम की संख्या हर जाति के लिए स्थिर बनी रहती है। माइटोसिस विभाजन शारीरिक कोशिका में होता है। अब माइटोसिस और मियोसिस विभाजन में क्या अंतर है? इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं बोल देती हूँ। माइटोसिस
शारीरिक कोशिका में होता है, मियोसिस जनन कोशिका में होता है। माइटोसिस में केंद्रक का विभाजन एक बार होता है, मियोसिस में केंद्रक का विभाजन दो बार होता है। माइटोसिस विभाजन के बाद एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका बनती है, इसमें एक मियोसिस में एक मातृ कोशिका से चार पुत्री कोशिका बनती है। माइटोसिस विभाजन में उत्पन्न पुत्री कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है। मियोसिस में उत्पन्न चार पुत्री कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या मातृ कोशिका के आधा हो जाती है। माइटोसिस को समसूत्री विभाजन कहते हैं, मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। मियोसिस में क्याज्मा का निर्माण होता, माइटोसिस में नहीं होता है। माइटोसिस के द्वारा शरीर में वृद्धि होती है, मियोसिस के द्वारा लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गैमेट का निर्माण होता है। थैंक यू।